हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द किचन मीटिंग्स। अब हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि मैं किचन में रेसिपीज ही बताती रहूं। आज मैंने थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी थी घर की और किचन की एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको अपने साथ ले चलूं। अच्छा, ख़रीदना मैंने क्या था, मैंने किचन के लिए एक कढ़ाही लेनी थी, चावलों वाला पतीला लेना था, नमक मिर्च के जार्स और बास्केट्स वगैरह, कुछ ऑर्गेनाइजर्स टाइप, और कुशन्स देखने थे, और जो लूज़ क्रॉकरी होती है ना, लाइक 6 to 12 जो पीसीज होते हैं प्लेट्स के और बाउल्स के, वो देखने थे। चलें, लेट्स सी आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और मार्केट की प्राइस रेंज क्या चल रही है। ये हम आए हैं पॉट्स की तरफ, इसमें नॉनस्टिक भी शामिल है, और पैन्स की तरफ। अच्छा जी, ठीक है, ये तो आ गई वाटर बॉटल्स और ये आ गई बास्केट्स। ये सिंपल वाटर बॉटल्स हैं, इधर पे छोटी छोटी बास्केट्स हैं। एक मैंने बास्केट ली है, ये ब्राउन कलर की जो बास्केट्स हैं अच्छी हैं, ये क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। और साथ में ये आ गए हैं दूसरी बड़ी बास्केट है, एक मैंने बड़ी बास्केट भी ले ली है, ये 300 की है। ठीक है, अच्छा, ये तो बड़े बड़े डिनर सेट हैं, पूरे पूरे जो सेट्स वाले डिनर सेट होते हैं ये वो हैं। यहाँ पर मैं देखने आई हूँ टेबल कवर, जो एक टेबल क्लॉथ होता है टेबल रनर टाइप, और ये टेबल रनर्स हैं, और साथ में इनके 6 to 8 जो मैट्स होते हैं टेबल मैट्स वो हैं। तो प्राइस में ये थोड़े से मुझे ना एक्सपेंसिव लग रहे हैं, क्योंकि जो छोटे वाला जो रनर है ना वो 600 का है, और ये है छोटे वाला रनर जो कि 600 का है। अब एक बड़े वाला रनर भी मैंने देखा था, वो था 1600 का, तो मैंने ये नहीं लिए क्योंकि मुझे ना ये कढ़ाई वगैरह थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। देखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं इतने पसंद आए। तो ये वाला जो है ना ये 1600 का है। तो ये मैंने देखे हैं लेकिन मैंने लिए नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा ये मैं बाहर कहीं ओपन मार्केट से लूँगी तो शायद मुझे थोड़े कम कीमत में मिल जाएं। अच्छा जी, आ जाएं अब स्पाइस जार्स की तरफ। ये 150 का एक जार है, लेकिन ये मैंने 3 लिए, और बाद में मुझे पता चला कि इनकी क्वालिटी जो थी, ये रेड वाले कैप्स की, ऑफ वाइट वाले कैप्स की बात नहीं कर रही, जो रेड वाले कैप्स थे इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक था। मैंने इससे पहले एक जार लिए थे, वो 200 का था एक जार, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बड़ा सॉलिड किस्म का उसका प्लास्टिक था। अच्छा चलें, अब मैंने एक दो ले ली हैं बास्केट्स, ये जो बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजर्स टाइप बास्केट्स होती हैं, ये बड़ी अच्छी रहती हैं, इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं, इवन कपड़े भी छोटे बच्चों के रख सकते हैं, या और कोई मेडिसिन वगैरह। अच्छा, ये वो जार था जो मैंने 200 में लिया था, मैंने कहा इसकी पिक्चर भी डाल दूँ। ग्लास का मुझे इधर बहुत ही एक यूनिक सा स्टाइल नज़र आया था, यस ये वाला 1449 में ये पूरा सेट है, जैसे वो कैंडल जार्स या फिश जार्स नहीं होते, ये वैसे का स्टाइल है, जो कि बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा। अच्छा, पेस्ट्री के लिए मुझे चाहिए था एक टोंग, और ये वैसे सेट में ही लेना चाहिए, 150 ईच इसकी प्राइस है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। मैंने एक ब्रांडेड दुकान पे काफ़ी महंगा 700 आई थिंक इसकी प्राइस देखी थी, तो ये अच्छा मुनासिब कीमत में इधर मिल रहा है। लॉन्ड्री बास्केट का भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। ये पिंक वाली बहुत अच्छी है, 1100 की है। प्लास्टिक की जो लॉन्ड्री बास्केट्स होती हैं उसमें कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा वो स्पेस होता है, तो इस वजह से। अच्छा, मेरी बहन ने एक खसूसी मैसेज मुझे दिया था कि मेरे लिए ज़रा कुशन्स पे रिसर्च करके लाना। मैंने पहले एक, यहाँ आने से पहले एक और ब्रांडेड दुकान पे देखे थे, कुशन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ईच कुशन कॉस्ट आई थिंक 1500 या इससे भी शायद ज़्यादा थे, बल्कि नहीं 2000 की रेंज में थे। तो यहाँ पर मुझे रेंज थोड़ी मुनासिब लगी है, यहाँ पर 800 से लेकर तकरीबन 1000 तक रेंज है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ब्लैक और फेरोजी वगैरह कुशन्स, ये तकरीबन 800 प्राइस रेंज है, और अच्छा कुशन है ये 849, यस, तो ये प्राइस ठीक है, मुनासिब है। यहाँ पर एक और मुझे कुशन नज़र आया था, जो कि काफ़ी बड़ा था, और प्राइस उसकी जी ये वाला ब्लैक वाला
ये ज़रा ऊपर है और ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये ठीक ठाक चौड़ा है और स्क्वायर शेप में है और साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है और इसकी प्राइस रेंज है तकरीबन 1000। अच्छा क्यूट है, भारी भी है और मटेरियल भी इसका मुझे अच्छा लग रहा है। प्राइस मेरा ख्याल है ठीक है, कम अज़ कम जो 3000 वाली रेंज है उससे तो मुनासिब ही है। Scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? अच्छा जी, ये है लूज क्रॉकरी, यानी कि आप 6 प्लेट्स ले सकते हैं, 6 बाउल्स ले सकते हैं, जितनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक्चुअली किलो के हिसाब से 689 पर केजी आपको देखते हैं, तकरीबन लगा लें 700। अब मैं ज़रा वेट करने लगी हूँ कि 700 में कितनी प्लेट्स आ जाती हैं। ये मैंने 2 प्लेट्स रखी हैं तो ये मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा। 1 kg नहीं, ये 1 kg नहीं बन रहा, ये 0.8 ग्राम्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है यानी कि हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लेट्स जो हैं वो बन रही हैं 1 kg में, और 1 kg की प्राइस आपको मैंने बता दी है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। अच्छा जी, यहाँ से मैंने देखा था ये एक सेट मिल रहा है, ये कढ़ाही है और साथ नॉनस्टिक तवा है, दोनों ही नॉनस्टिक है, लेकिन ये 1700 में था। लेकिन ये जो ब्रांड है मैंने बिल्कुल भी इसका नाम नहीं सुना हुआ, इसलिए मैं ये यहाँ से परचेज़ नहीं कर रही, क्योंकि फिर अगर परचेज़ करके अगर क्वालिटी अच्छी ना निकली तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ही मुनासिब रेंज में मैंने एक फ़ुटबॉल और नेट देखा था, वो लास्ट पे है और ये वॉल पे हैंग हो जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका मटेरियल है। तकरीबन 1600 इसकी प्राइस है और ये मुझे अच्छा लगा था। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरा प्राइस भी मुनासिब है। एक मैंने इससे कम प्राइस में भी देखा था लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ओके जी, मेरी वीडियो कम्प्लीट हो गई है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।